भाई मेरा BFF ग्रीन हो गया, मेरा डेटा तो सेफ है। क्या यार कोमल, फेक न्यूज है यार ये। कहीं आप भी इस फेक न्यूज के चक्कर में तो नहीं आ गए? आज हम बताते हैं इसकी सच्चाई क्या है। मामला दरअसल फेसबुक से जुड़ा है। लगातार जैसे हम पिछले एक हफ्ते से खबरें देख रहे हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी का नाम उभर कर सामने आ रहा है, जिसने फेसबुक यूजर्स का डेटा इस्तेमाल कर उसे पॉलिटिकल कैंपेनिंग में यूज़ किया। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ उस दौरान इस कंपनी ने काम किया, इसके बाद ब्रिटेन में, यूके में ब्रेक्सिट को लेकर जो रेफरेंडम हुआ था उसमें भी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक के डेटा को यूज़ किया, जिसका पता जिन लोगों का डेटा यूज़ किया गया उन्हें नहीं था, फेसबुक को भी नहीं था, ऐसा फेसबुक का कहना है। इसको लेकर के फेसबुक के जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, उन्होंने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा, तमाम तरह की सफाई दी। लेकिन ये इशू अभी चल ही रहा था कि एक मामला फिर से सामने आ गया, जिसमें एक फेक न्यूज़ उभर कर सामने आ रही है। जो फेसबुक पर ही पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि अगर आप फेसबुक पर अपनी BFF लिखते हैं और उसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है, इसका ये मतलब है कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल सेफ है और उससे कोई डेटा चुराया नहीं गया है। ये सरासर बकवास बात है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिरे से खारिज करने वाली बात है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये फेक न्यूज़ है। पिछले कुछ समय से फेसबुक ने एक नया फीचर शुरू किया है जिसे टेक्स्ट डिलाइट नाम दिया गया है। टेक्स्ट डिलाइट फीचर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हैं तो वो रेड कलर में तब्दील हो जाता है, उसके साथ काफ़ी सारे एनिमेशंस आते हैं। वैसे ही अगर आप BFF लिखते हैं तो BFF ग्रीन कलर में तब्दील हो जाएगा और उसके साथ एनिमेशंस आएंगे। इसका आपके डेटा के साथ या डेटा की सेफ्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ही अगर आप XOXO लिखते हैं फेसबुक पर तो उसमें भी एनिमेशंस आने लगते हैं। XOXO अगर आप फेसबुक पर लिखते हैं तो उसके साथ एनिमेशंस आ जाएंगे। इनके अलावा यू गॉट दिस लिखते हैं तो थम्सअप वाला एनिमेशन आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेस्ट विशेस अगर लिखते हैं तो उसके साथ भी एनिमेशंस आएंगे। तो कुछ ये 3-4 वर्ड्स हैं जिनका अगर आप फेसबुक पे यूज़ करते हैं तो वो टेक्स्ट डिलाइट फीचर के तहत चेंज होता हो जाता है उनका कलर और एनिमेशन आ जाता है उनके साथ। वैसा ही BFF के साथ भी है। BFF जिसे डूड लोग बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर कहते हैं, इसका कलर ग्रीन हो जाता है और इसका फेसबुक डेटा की सेफ्टी से आपका कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल अफवाह है। बातें शुरू होती है तो दूर तक जाती है, ऐसे ही कोई मन की बात कहता है तो कोई दिल की बात कहता है। बातों के सिलसिले से ही किसी देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये थी सोशल मीडिया से जुड़े एक अफवाह की सच्चाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे फेसबुक पेज लोकमत न्यूज़ हिंदी को लाइक करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल लोकमत न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपने सहयोगी वकार अहमद के साथ योगेश सोमकुंवर।